नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आंध्र प्रदेश में आज से एक बार फिर तेलुगु देशम पार्टी की सरकार का राज होगा। जी हां, टीडीपी प्रमुख नाराज चंद्रबाबू नायडू ने आज चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। विजयवाड़ा के केसरपल्ली आईटी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें नायडू के अलावा पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। साथ ही 25 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वहीं नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल हुए। ऐसे में जहां तेलुगु देशम पार्टी 16 लोकसभा सीटें जीतकर दिल्ली के लिहाज से किंग मेकर की भूमिका में उभरी है, तो वहीं प्रचंड जीत के साथ पार्टी आंध्र प्रदेश में बतौर किंग के रूप में सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। ये चौथी बार है जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। आंध्र प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर काबिज हुए चंद्रबाबू नायडू ने अपने सियासी सफर का आगाज कांग्रेस पार्टी से किया था। चंद्रबाबू नायडू ने 1978 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीते भी। वहीं 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद दूसरी बार वो सीएम बने। आंध्र प्रदेश के विभाजन से पहले नायडू साल 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने लगातार 9 वर्षों तक 2004 तक राज्य की कमान संभाली। इसके बाद वो दूसरी बार साल 2014 में सीएम बने। वहीं चंद्रबाबू नायडू के बाद जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू की सरकार में डिप्टी सीएम को मिलाकर 23 मंत्री हैं, जहां टीडीपी से 19, पवन कल्याण समेत जनसेना से 3 और भाजपा से 1 मंत्री है। एक पद खाली रखा गया है। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकश ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, पवन कल्याण की जनसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जहां एनडीए को 164 विधानसभा सीट मिली। इनमें से टीडीपी को 135, जनसेना पार्टी को 21 और बीजेपी को 8 सीट मिली है। वहीं नायडू के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, एकनाथ शिंदे, जयंत चौधरी, मोहन यादव, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और नितिन गडकरी समेत कई मंत्री शामिल रहे। वहीं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नायडू मंच पर पीएम मोदी के साथ गले मिले। जाहिर है, लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। यहां तेलुगु देशम पार्टी ने जनसेना और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तीनों दल ने मिलकर जगन मोहन रेड्डी की सरकार को बुरी तरह हराया। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए को 175 में से 164 सीटों पर जीत मिली। वहीं जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी सिर्फ 11 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। तो वहीं कांग्रेस अपना खाता ही नहीं खोल पाई। ऐसे में एक बार फिर प्रदेश में नायडू सरकार का राज हो गया है, जो एनडीए के साथ गठबंधन में है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट पर बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।